जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली SSC GD कट ऑफ बिहार वालों के लिए, क्योंकि बिहार वाले काफी बच्चे हैं जो मेरे चाहने वाले हैं और उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की थी मेरे पिछले वीडियो में कि सर बिहार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ ही ये सिर्फ फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल मेरिट तक की कट ऑफ है कि फाइनल मेरिट कितने नंबर तक जा सकती है, क्योंकि फिजिकल की जो कट ऑफ है उसका हर कोई अनुमान लगाता है। मैं आपको फाइनल मेरिट तक की इस वीडियो में डिटेल दूंगा, क्योंकि केवल फिजिकल पास करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, आपको इसके लिए पास करना पड़ेगा फाइनल मेरिट। अब आप बोलोगे सर आप अभी से कैसे बता सकते हो, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कोई 100% डाटा नहीं है। मेरा आज तक के जितने भी वीडियो रहा है उनमें 90% एक्यूरेसी मैच खाई है SSC GD की फाइनल कट ऑफ से, और इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं। आज ये वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो को देख लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, जिस दिन आए आंकड़े मिला लेना, लगभग लगभग सारे मैच खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि मैंने जो इनकी पिछली बिहार से इस बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, पिछली बार कितने बच्चों ने पेपर दिया, पोस्ट ऑफ वैकेंसी पिछली बार कितनी थी बिहार से, इस बार बिहार से कितनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी से कितनी मेरिट जाए पिछली बार गई थी और इस बार कितनी जा सकती, उस आधार पर ये सारा का सारा डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो 100% तो श्योरिटी केवल फाइनल मेरिट आएगी वही दे सकती है, लेकिन एक अनुमान और एक नापा तोला अनुमान, एक होता है आंख मूंद करके अनुमान लगाना, एक नापा तोला अनुमान में काफी फर्क होता है, काफी हद तक ये मैच खाएगा। साथ ही एक चीज और बता दूं लाडलो, जो भी बच्चे बिहार से हैं जिनके नंबर जैसे मैं कट ऑफ में बता रहा हूं उसके आसपास है या उससे अच्छे नंबर है, तो अगर आप मेडिकल कराना चाहते हो तो 1 मार्च से हमारा मेडिकल बैच भी शुरू हो रहा है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपका संपूर्ण मेडिकल करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप हमारे फिजिकल बैच में आते हैं, वो भी शुरू हो गया है, तो अगर आप फिजिकल बैच में आते हैं तो आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री है, तो आप फिजिकल बैच में भी आ सकते हो, और आप जैसे फिजिकल क्वालिफाई होंगे आपका मेडिकल बिल्कुल फ्री होगा। टोटल A to Z जितनी भी जांचें SSC GD में होती है पूरी की पूरी सटीक तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिहार की कट ऑफ की, क्योंकि बिहार के चाहने वाले बहुत हैं, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ये वीडियो है। देखिए, बिहार 2021 में अगर हम बात करें बिहार की फिजिकल की जो कट ऑफ गई थी हाईएस्ट लड़कों की 61.5 और जो लोवेस्ट गई थी 48.57, ये थी लड़कियों की ST कैटेगरी और नक्सल एरिया, मैं आपको बता देता हूं। तो इस बार सर कितनी जा सकती है, तो इस बार जो भी बच्चा बिहार का है जिसके 95 नंबर है या 95 से अबव है, ये नहीं इसका मतलब है कि वो बच्चा फिजिकल देने तो 100% जाएगा ही जाएगा, लिख के रख लेना। यानी अगर आपके 95 से ऊपर नंबर है तो आप इस बार फिजिकल देने के लिए इलिजिबल होंगे, यार आप फिजिकल की कट ऑफ में आप 100% आपकी हिस्सेदारी हो गई है अगर आप बिहार से हैं। अगर लड़कियों की बात करें या SC ST कैटेगरी से बात करें, तो अगर आपके 82 से ऊपर नंबर है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं या गर्ल्स है, तो आप बिहार से फिजिकल देने 100% जाओगे। फिजिकल तो पास हो गया सर, मेडिकल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मेडिकल की अगर हम बात करें तो 2021 में गई थी 64%, यानी लगभग 100 नंबर। इस बार अगर आप 100 नंबर लेके आते हो, कितने नंबर लेके आते हो, 100 नंबर अगर आपके 160 में से हैं, तो कहने का मतलब है कि आप मेडिकल की जो कट ऑफ आएगी उसको भी फाइट करने के आसार पर है। मेरा इसमें अनुमान ये है, 100 नंबर पिछली बार, मेरा अनुमान ये है कि 100 से 105 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो 101% में आंकड़े बता रहा हूं, 105 नंबर से ऊपर बिहार की कट ऑफ नहीं जा सकती मेडिकल के लिए, इससे ऊपर नहीं जाएगी, यह हद है। लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों के लिए 95 नंबर हाईएस्ट, और सर बोले लो से लो अगर आप अनुमान लगाते हो तो 85 लगाता हूं मैं, लो से लो 85 नंबर अगर किसी बच्ची के है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी चांस है मेडिकल क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इनसे कुछ नहीं होगा, हमको जानना पड़ेगा फाइनल मेरिट कि फाइनल मेरिट सर कितनी जा सकती है बिहार से। तो देखिए, बिहार से अगर हम बात करें, सबसे हाईएस्ट पिछली बार जो मेरिट गई थी वो गई थी 74%, ठीक है। तो सर इस बार कितनी जा सकती है, तो लाड लो इस बार जिस बच्चे के, कोई भी बच्चा है और बिहार का है, अगर उसके 117 नंबर से ज्यादा नंबर है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है और उसके अगर 117 नंबर भी है, तो इसका मतलब है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई संदेह नहीं है अगर आपके 117 नंबर से ऊपर। अब यहीं पे एक चीज और आ जाती है कि सर हम जनरल कैटेगरी से, हमारे 115 नंबर है, हमारे 114 नंबर है, हमारे 112 नंबर है। लाडले में ये नहीं बोल रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सिर्फ उन बच्चों को बोलता हूं जिनके 117 नंबर है, इससे ऊपर है,
वो बच्चे संतुष्ट हो सकते हैं कि हम सिलेक्शन हो सकते हैं, 95% आपके चांस है। अब इससे जो नंबर नीचे है जैसे 112, 113, 114, उन लड़कों को मैं ये नहीं बोल रहा लाड लो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अगले एग्जामों की भी तैयारी करते रहना है। आप ये ना सोच ले कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सही, कोई कुछ भी बोले, मैं ये पेटेंट आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं, आप अगली तैयारी भी करिए। हो सकता है कि 5 अंक नीचे भी जाए, 112 पे आप लग लगे के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपको संतुष्ट नहीं होना है क्योंकि आप सीओ पे खड़े हैं, इधर भी गिर सकते हैं उधर भी गिर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब यही बात करें लड़कियों की, अगर जनरल कैटेगरी से लड़की है और उसके 105 से प्लस नंबर है या 105 से 110 के बीच में नंबर है, बिहार से है, तो वो बच्ची संतुष्ट हो सकती है कि उसका सिलेक्शन होने के काफी 90% चांसेस है, ठीक है। अब बात करें बिहार से कि सर बिहार से नक्सल एरिया से या एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से, तो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आप बिहार से हैं, आपके 105 या 107 नंबर है। ये मैं आंकड़े किसके आधार पर बता रहा हूं, ये मैं आंकड़े बता रहा हूं 2021 की फाइनल मेरिट के आधार पर। देखिए 2021 में फाइनल मेरिट बीएसएफ की कितनी गई थी, मैं आपको बताऊं, बीएसएफ की गई थी 74 बिहार से हाईएस्ट, लोवेस्ट गई थी 58 एसटी कैटेगरी की, सीआईएसएफ की गई थी 78 और लोवेस्ट गई थी 67 सीआईएसएफ की, एसएसबी की गई थी 74 लोवेस्ट गई थी 63, आईटीबीपी की गई थी 73 लोवेस्ट गई थी 61 और असम राइफल की 71, ठीक है, ये पिछली बार 2021 में। तो ये नहीं कहने का मतलब इससे ऊपर मेरिट इस बार भी नहीं जाएगी क्योंकि पोस्ट ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और कैंडिडेट पेपर देने वाले वो कम है, तो इसका मतलब है वैकेंसी ऊपर नहीं, कम आएगी, कट ऑफ ऊपर नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन में क्योंकि पेपर का लेवल सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन समय सीमा का काफी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि समय सीमा काफी कम है, ये ध्यान रखना, समझे बात को। अगर और भी और कोई आपके डाउट है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी लिखिए, अपने डाउट भी लिखिए, साथ ही आपको अगर मेडिकल कराना है तो भी आप हमारे अकेडमी आ सकते हैं, फिजिकल करना है तो भी हमारे अकेडमी आ सकते हैं, और SSGD 2024 की तैयारी करनी है 23-24 की तो भी आप हमारे अकेडमी आ सकते हैं। लाडलू जय हिंद जय भारत।